गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू तस्मिया की दुनिया। तो केम छो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड दाल वड़ा। बहुत इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले हम दाल को भिगो देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, उड़द की दाल को। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी, छोटी कटोरी से एक कटोरी उड़द की दाल को भिगो दिया है। अब हम क्या करेंगे, वो जो दाल रहती है ना, वो छिलके वाली दाल से ही बनती है। तो हम छिलके वाली दाल को भिगा देंगे, उसके बाद अच्छे से मसल कर धुलेंगे, उसका छिलका निकल जाएगा। तो फिर इसे हम 3-4 पानी से धुल लेते हैं। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एकदम साफ़ हो गया। थोड़ा थोड़ा है पर उतना चलता है, ये देखिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। मैं इधर से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए इतना सारा छिलका निकल गया है और ये दाल एकदम साफ़ हो गई है। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा, क्योंकि वो जो मार्केट वाला दाल वड़ा रहता है ना, उसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा जो दाना आता है, ये साबुत दाल जो आती है ना, वो बहुत अच्छा एकदम क्रंची फ्लेवर देता है। तो थोड़ा सा दाल हम निकाल लेंगे। अब हम इसको पीसेंगे। तो सबसे पहले बिना पानी डाले हम इसको ग्राइंड कर लेंगे पल्स मोड पर, ये देखिए चालू बंद करके इस तरीके से पीस लेंगे। वैसे ना उड़द की दाल पीसने में बहुत डर लगता है कि मिक्सर ज़रूर ख़राब हो जाता है, पर थोड़ा ही था तो बस बहुत जल्दी 2 बार में ही पीस गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दूसरा बैच भी डाल दी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च तीखी वाली, उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा वो लहसुन। आप लहसुन की जगह अदरक भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है बहुत ही कम सामान में, और बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ डाल के भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं छील रही हूँ लहसुन, और इसकी जगह ना आप अदरक भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को। और यहाँ पे मैं सिर्फ 3 कली लहसुन को डाल लूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो चलिए अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से निकाल कर फेटूँगी। सबसे ज़्यादा जो मेहनत रहती है ना, बस इसको फेटने में रहती है। जितना अच्छा फेटेंगे इसको, उतना अच्छा ये हमारा दाल वड़ा बन के तैयार होगा। अब ये जो साबुत वाली दाल है उसको भी हम डाल देंगे। अभी मैंने नमक वगैरह नहीं डाला है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट खूब अच्छे से फेंट लेंगे। बाहर की चीज़ घर में खाना है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। 5 से 7 मिनट इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। जब इस तरीके से हो जाएगा, उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसे ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसे हम रख देंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से मेरा कुरान जो है वो 2-3 दिन पहले ही मुकम्मल हो गया है, और अब दूसरा स्टार्ट की हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि 10 मिनट बाद देखते हैं इसको। ये देखिए एकदम कलर इसका चेंज हो गया और बहुत अच्छे से ये फिट चुका है। ये कैसे आप लोग पता लगाएंगे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और किसी कटोरी या ग्लास में पानी लेंगे और ऐसे डालेंगे ना, तो जैसे ही डालेंगे वैसे ये ऊपर आ जाएगा, तभी आपका जो दाल वड़ा है बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। ये देखिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज। ये मैं प्याज वो लोग नहीं डालते हैं, मैं डाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और हरा धनिया डाल देंगे। और यहाँ पे डालेंगे इसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अजवाइन और हींग, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, क्योंकि उड़द की दाल ना बहुत लोगों को नहीं सूट करती है, नुकसान करती है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम डाल देंगे वो हींग डाल देंगे। अब इस टाइम पे मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक डालने से पहले मुझे याद आया कि ये जो बैटर है वो थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको और निकाल लेती हूँ। अगर नमक डालकर हम छोड़ देंगे तो फिर ये ना एकदम लिक्विडी हो जाएगा, पतला हो जाएगा उड़द की दाल जो होती है, हम तो इसीलिए थोड़ा सा बिना नमक वाला निकाल लेंगे। इसको मैं कल फ्राई कर लूँगी। और बस इतने में हम नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार फिर से, और बिना सोडा और बिना उसके ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ कढ़ाई, और इसको फ्राई कैसे करना है मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसे फ्राई करना है ना एकदम मीडियम आँच पर, पहले धीमी आँच पर थोड़ी देर, जब तक डालेंगे तब तक हम आँच को तेज़ रखेंगे ताकि तेल गर्म हो जाए, उसके बाद धीमा करके, और उसके बाद यहाँ पर धीमी आंच से 3 से 4 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हाई फ्लेम पर अच्छे से कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो टोटल इसमें 6 से 7 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मतलब इसे हम डबल फ्राई करेंगे ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट कलर रहेगा तभी इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल में डालते ही एकदम से ऊपर आ जा रहा है और अपने आप ही ये पलट जा रहा है, इतना ज़्यादा ये हल्का फुल्का है, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। वही प्याज की पकौड़ी, वही आलू के पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, ये सब खा खा के बोर हो गए ना, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए जो साबुत दाल मैं डाली हूँ इसमें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका लुक, और खाने में बहुत अच्छा लगता है, अलग से एकदम क्रंचीनेस आता है। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही क्रिस्पी बना है एकदम मार्केट स्टाइल। तो
तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी के साथ में फ्राई कर लूँगी मिर्ची, जैसे वो स्ट्रीट फूड वाले मिर्ची देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही खाऊंगी मिर्ची, तो मैं सिर्फ 3 फ्राई की हूँ। और इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ असर के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे हस्बैंड जी लाए हैं हलीम, और ये देखिए। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी फालूदा, एकदम इंस्टेंट वाला बनाऊंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी रेसिपी शूट कर रही हूँ। ये लाए थे तो मैंने कहा लाओ बना दूँ, और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ना जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है ना उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मैं यहाँ पे हलीम निकाल ली हूँ एक बर्तन में, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ये फालूदा। ये जो मार्केट में मिलता है ना छोटे छोटे पाउच में बना के, उसी से मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ 3 से 4 चम्मच ये चीनी, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत थोड़ा सा कि चीनी घुल जाए, बस इतना ही। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये फालूदे वाला जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे। ये जो है अच्छा लगता है, कभी कभी हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि अभी तक 15 रमज़ान बीत गया है, अभी तक हम लोग ना शरबत नहीं पिए एक भी दिन, क्योंकि सर्दी जुकाम में इतने हम लोग परेशान थे कि शरबत वरबत सब भूल गए हैं, बस वही ग्लूकोन डी जो है वो घोल के पी लेते हैं, बाकी शरबत वरबत अभी तक नहीं बना। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डाल रही हूँ दूध, और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे ये रूह अफ़ज़ा, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छा सा जो है वो तैयार होगा। और यहाँ पे चाहे तो इसी टाइम पे आइसक्रीम डाल सकते हैं, और चाहे तो फिर बाद में। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ग्लास में ही डालती हूँ ऊपर से। तो सबसे पहले ग्लास को थोड़ा सा ये डेकोरेट कर देंगे रूह अफ़ज़ा से, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें, ये देखिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आइसक्रीम एक स्कूप, उसके बाद यहाँ पे ऊपर से रूह अफ़ज़ा डाल दूँगी, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। और बस इसको रख देते हैं एकदम ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे मैं तेल को एकदम अच्छे से गरम कर लूँगी, पर तेल गरम नहीं था, मुझे लगा कि गरम हो गया है, पर एकदम हाई फ्लेम पर तेल गरम करके बस डालो और निकालो, इतना ही फ्राई करना होता है डबल फ्राई में। लेकिन तेल उतना गरम नहीं था, पर कोई बात नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम खोखला, मतलब सब खोखले नहीं थे और भी अच्छा सा था, ये देखिए बहुत अच्छा था। तो चलिए फ्रेंड्स, 15 मिनट बचा है इफ्तारी में, तो फिर हम इफ्तारी जो है जल्दी से लगा लेते हैं, इससे पहले कि डांट पड़ जाए, कि वीडियो के चक्कर में ना मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो फिर अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक वाइक करते हैं ना, तो मुझे वो डांट का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बोलते हैं कि इफ्तारी से पहले 10-15 मिनट पहले बैठ जाओ। मैं बैठ तो जाती हूँ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो बस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।